हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए शाही मीठा, जिसे आप अपने घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हमें ये सामग्री चाहिए। मैंने 2 चम्मच काजू ले लिए हैं, 2 चम्मच बादाम, छोटी इलायची, आधा कटोरी शक्कर, हमने 1 पैकेट सेवई लिया है, आप देख सकते हैं ये भुना हुआ सेवई है, आप भी यही लेना। इसे हम अच्छी तरह तोड़कर इसका बारीक बारीक चूरा बना लेंगे। इसे आपको अच्छे से पूरा छोटा छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे तोड़ रही हूँ, आप भी ऐसे ही इसका बारीक चूरा बना लेना। अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। कढ़ाई को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी कढ़ाई अच्छी तरह गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम 4 टेबलस्पून घी डालेंगे, आप भी घी डालना, हमें देसी घी का इस्तेमाल करना है। अब हम इस घी में, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा घी अच्छी तरह गर्म हो चुका है, अब इसमें हम अपने काजू बादाम पिस्ता को बारीक बारीक काट के इसे फ्राई कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसे हल्का सा फ्राई करके इसे निकाल लेना है 1 प्लेट में। जैसे आप देख सकते हैं हमारा काजू बादाम पिस्ता फ्राई हो चुका है, अब इसे हम 1 प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इस गर्म घी में हम अपने सेवैयाँ को भूजेंगे। अपनी सेवैयाँ को हमें अच्छी तरह मीडियम आंच पे भुनना है, इसे और भी गोल्डन ब्राउन करना है। मेरी वीडियो बहुत ही सिंपल रहती है, जिसे कोई भी बना सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। देख सकते हैं थोड़े से सेवई खड़े खड़े थे, उसे भी हम फ्राई करते करते पूरा उसका चूरा बना दिए हैं। आप भी ऐसे ही पूरा चूरा बना लेना। इसे लगभग मीडियम आंच पर 5 मिनट तक भूना है, आप भी 5 मिनट तक मीडियम आंच पे इसे भून लेना। आपसे बातें करते करते हमारा सेवई यह भून चुका है। इसमें हमने शुगर डाल दिया है, अब इसे भी हम अच्छी तरह चला लेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर मैं कुछ गलतियां कर रही हूं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी मैं चैनल पे नई हूं, आप मुझे आगे बढ़ाने के लिए मेरा सपोर्ट करें। और आप वीडियो स्किप करके मत देखना, मैं नहीं चाहती कि आपका शाही मीठा ख़राब हो। आप वीडियो पूरा देखना ताकि आपके शाही मीठा अच्छी तरह से बराबर बने। अब हमें आधा कटोरी मिल्क पाउडर लेना है। आधा कटोरी मिल्क पाउडर में हमने 4 चम्मच दूध मिलाया है और इसे अच्छी तरह घोल लिया है ताकि मिल्क पाउडर में गुठलियाँ ना पड़े, आप भी ऐसी कर लेना। और इसे अच्छी तरह हम मिला लेंगे। मिल्क पाउडर में 4 चम्मच दूध हमें ठंडा डालना है, ये याद रहे आपको, और इसमें अच्छी तरह मिला लेना है। ये दूध मिलाने से हमारे शुगर अच्छी तरह गल जाएंगे। इसे हमें लगातार चलाते रहना है, इसे पूरा सूखा करना। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सूखा हो चुका है, इसे हम 1 प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। कढ़ाई को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। अब इसमें हम 1/2 लीटर दूध डाल देंगे। गैस की आंच अभी हमें फुल फ्लेम पे रखनी है और इसे हम अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हम इसमें शुगर डाल देते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो 1 चम्मच शुगर और डाल देना, अगर कम पसंद है तो 1 चम्मच कम भी कर सकते हैं, वो आपके स्वाद पे डिपेंड करता है कि आपको मीठा कम या ज़्यादा करना है। हमने 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है। इस 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर में हम 4 चम्मच कच्चा दूध मिला लेंगे और इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा दूध अब उबल रहा है। हम गैस की आंच को मीडियम कर लेंगे। हमने जो कस्टर्ड पाउडर दूध में घोला था इसे हम 1 हाथ से डालेंगे और 1 हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। और हमें इसे लगातार चलाते रहना है ताकि हमारे दूध में गुठलियाँ ना पड़े। आप देख सकते हैं मैं कैसे इसमें मिला रही हूँ। धीरे धीरे हमारा दूध गाढ़ा होने लगेगा। हमने जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे थोड़े से हम इसमें डाल देंगे और इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह हम मिला लेंगे। इस दूध को रबड़ी फॉर्म में लाने में हमें लगभग 5 मिनट लगा है। इसे हमें पतला नहीं रखना है, इसे थोड़ा गाढ़ा ही रखना है और ये ठंडा होने पे और भी गाढ़ा हो जाएगा। हमने इस सेवैया में इलायची पाउडर नहीं मिलाया था, अब इसमें हम इलायची पाउडर मिला लेंगे। आप इसे कढ़ाई में भी इलायची पाउडर डाल सकते थे, मैंने स्किप कर दिया इसलिए मैंने अभी डाला है।
और ड्राई फ्रूट्स फ्राई किया था वो भी थोड़ा इसमें हम मिला लेंगे और इसे चम्मच की मदद से इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे मिला रही हूँ, आप इसे कढ़ाई में भी डाल सकते थे। अब हम गहरे तले की केक टिन ले लेंगे और इसमें हम अपने आधे सेवई के बेस इसमें डालेंगे। आप चाहे तो केक टिन में घी भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे सेवई में पहले से ही घी है तो ये हमारे निकालने में चिपकेंगे नहीं, तो आप घी मत लगाना। अब हम अपने आधी सेवैया को इस केक टिन में डाल लेंगे और चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे प्रेस कर रही हूँ, आप भी इसे एक बराबर ऐसे ही प्रेस कर लेना। आप चाहे तो कटोरी से भी प्रेस कर सकते हैं, मैं चम्मच से कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसे हमने अच्छी तरह प्रेस कर लिया है। अब हमने जो दूध से रबड़ी बनाई थी हम उस रबड़ी को इस सेवैया पर डाल देंगे। रबड़ी को हमें इस पर डाल देना है। आप देख सकते हैं हमने इस सेवई पर रबड़ी को अच्छी तरह फैला लिया है, आप भी ऐसे ही फैला लेना। लेकिन हमें अपनी रबड़ी को ठंडी करके इस पर डालना है, गरम गरम मत डालना। इस रबड़ी को आप ठंडा कर लेना फिर इसके ऊपर डालना सेवई पर। इस शाही मिठाई में 3 लेयर होते हैं। अभी हम इस रबड़ी को ठंडा करके डालने पे इसके ऊपर फिर से जो अपना आधा बचा हुआ सेवैया है वो इस पर हम डाल देंगे। ये शाही मिठाई आप अपने घर में एक बार तो ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में बताना कि आपकी शाही मिठाई कैसी बनी थी। इस सेवैया को हमने इसके ऊपर अच्छी तरह बिछा लिया है। इसे हम चम्मच से हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। इसे ये आप ध्यान रखना कि इसे अभी हमें हल्के हाथों से ही प्रेस करना है। आप देख सकते हैं मैं कैसे प्रेस कर रही हूँ। अब हम जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे उसे इस सेवैया पर हम सजा देंगे लगाकर। आप देख सकते हैं मैं कैसे लगा रही हूँ, आप चाहे तो और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। इस ड्राई फ्रूट्स को भी हम चम्मच से हल्के हाथों से दबा देंगे, हमें हल्के हाथों से ही प्रेस करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा शाही मीठा अब बनकर तैयार हो चुका है। इसे ऐसे लग रहा है अभी चम्मच से हम खा लें, लेकिन अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी हमें इसे नहीं खाना है। इसे हमें 4 से 5 घंटा फ्रिज में रखना है। जब ये फ्रिज में अच्छी तरह सेट हो जाएंगे तब हम इसे काटेंगे चौकोन पीस में और फिर इसे हम ठंडा ठंडा सर्व करेंगे और इसका मज़ा उठाएंगे खाने के लिए। 4 से 5 घंटे फ्रिज में रखने के बाद हमने इसे निकाल लिया है। अब इसे हम चाकू की मदद से काट लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट होते हैं, आप भी ऐसे ही काट लेना चौकोन पीस में। जैसे कि आप देख सकते हैं इसे हमने अच्छी तरह काट लिया है। अब इस पलटे की मदद से इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप भी ऐसे ही निकालना हल्के हाथों से, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। देखिए इसमें 3 लेयर बना है, इस ऊपर से सेवई क्रिस्पी और नीचे से सेवई क्रिस्पी और बीच में क्रीम। आप जब खाएंगे तो आपके घर वाले बोलेंगे क्या शाही मिठाई बनाए हैं, ये शाही मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से क्रीमी। इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट बने हैं। अब इसे मैं अपनी बेटी को खिला के दिखाती हूँ, वो इसका स्वाद बताएगी कि ये कैसा बना है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।